फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध पेड़ा। बहुत ही टेस्टी बनती है ये मिठाई और सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही कम सामान से इसे हम बनाते हैं, सिर्फ दो चीज़ों से, दूध और चीनी से। अगर ये चीज़ आपके घर में अवेलेबल है ना और आपका मिठाई खाने का मन कर रहा है तो आप इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है इसे बनाने में, क्योंकि जब हम दूध को काटते हैं ना, उसको गाढ़ा करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर आपको मिठाई अच्छी खानी है तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दूध पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो दूध है वो तली में ना लगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध दिया है 2 लीटर। इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। इसे हम लगातार चलाते हुए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ रहा था, इसे मैंने पूरे फुल फ्लेम पर इसको कर दिया है गैस को। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब इसको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इसे लगातार चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करेंगे। मैं इसे लगातार चलाती रही हूँ। जो स्पेशल जिससे आप चला रहे हैं किसी भी चीज़ से, उसे इस तरह से चलाएगा वो नीचे तली तक जाए, जिससे कि हमारा जो दूध है वो तली में ना लगे। बहुत आराम से और लगातार चलाते हुए इसे हम गाढ़ा होने देंगे। और ये साइड में जो मलाई होती है ना, इसको भी इसमें उतार कर डालते जाएंगे, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दूध में से। इसे आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। जैसे वो लगातार दूध को पकाते हुए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज इसे हम बनाएंगे। बिल्कुल भाट जैसे हमारे दूध पेड़ा बनकर तैयार होंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए जब तक हम चलाएंगे, जब तक ये बिल्कुल मावे की फॉर्म में नहीं आ जाता। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है। अब मैंने कढ़ाई से इसे फ्राई पैन में शिफ्ट कर लिया है, जिससे कि जो दूध है ना, हमारे तले पे ना लगे। वैसे तो मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली थी, पर और प्रिकॉशन के तौर पर मैंने इसे नॉन स्टिक फ्राई पैन में जो है शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए इसे और गाढ़ा करूँगी, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल गैस को सिम कर दीजिएगा। जब आप लगे ना आपको कि गाढ़ा होना शुरू हो गया दूध, तो बिल्कुल सिम कर दीजिएगा गैस को, नहीं तो जो आपका दूध है वो नीचे से लग जाएगा तली में। अब इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से हमारा गाढ़ा हो चुका है, उसने फ्राई पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी यहाँ मैंने जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 8 चम्मच के करीब ली है। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जैसे आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इसे घटा भी सकते हैं। पर दूध में अपना मीठापन होता है, तो इसलिए इसको देख कर ज़रा डालिएगा। अब चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके लिए हम 5 मिनट तक इसे और अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हम। इस स्टेज पर आप छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप उसका फ्लेवर पसंद करते हैं तो। पर मैं इसमें अभी कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट और चलाएंगे इसे हम, फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चीनी डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक लगातार चलाती रही हूँ, जिससे हमारी जो चीनी है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं, बस हमें ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा दूध है ना, वो नीचे से लग जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ, और इसे लगातार चलाते हुए इसे हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा फ्राई पैन जो है वो गर्म है। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से तली में लग जाएगा। जब हल्का ठंडा हो जाए, ठंडा करने के लिए मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। हमारा जो मिक्सर है वो ठंडा हो चुका है। अब इतना ठंडा हो चुका है कि हम हाथ लगाने पर इसे छू पा रहे हैं। अब हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और मिक्सर को ऐसे लेंगे। ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जितना आपको छोटा या बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको उसके 2-3 तरीके बताती हूँ। सबसे पहला तरीका, ऐसे हम गोल कर लेंगे, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर ऐसे थंब होता है ना, इसकी सहायता से इसको एक होल बना देंगे। सबसे ईजी तरीका है ये पेड़े बनाने का। इसे बिगनर भी आराम से बनाकर खा सकते हैं। अब दूसरा तरीका बताती हूँ मैं आपको। पहले एक पेड़ा लेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये फोक की सहायता से हल्का सा और सेट कर लेंगे इसे। अब एक फोक लेंगे, काटा, इसकी सहायता से ऐसे इसको प्रेस कर देंगे।
एक डिजाइन ये बन गया, लग रहा है ना अच्छा डिजाइन। अब हम तीसरा डिजाइन बनाते हैं। ये जो छन्नी होती है ना तलने वाली, ऐसे पेड़ा लेंगे हाथ में, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है इसको इस पे रखेंगे सेंटर में और उसको प्रेस कर देंगे। लग रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े। आपको जो भी डिजाइन इजी लगे वो आप बनाकर आराम से खा सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध पेड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। घर पर आप इसे बिल्कुल हलवाई की तरह बनाकर आराम से खा सकते हैं और इसे बनाने में बहुत ही कम सामान की जरूरत होती है, जैसे दूध और चीनी जो हमेशा आपके घर में अवेलेबल रहता ही है। तो एक बार आप इस तरह से मिठाई बनाकर खाएंगे ना दूध पेड़ा, तो हमेशा ही इस तरह से बनाकर खाएंगे और बाजार के दूध पेड़ा लाना भूल जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर जरूर बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। तो मैं तो अपने दूध पेड़े को बनाकर इस इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।